अरे मोदी जी कोई राजा हरिश्चंद्र का अवतार थोड़ी है क्या? मोदी जी जो बोलेगा सच ही होगा। हैं तुम सच क्यों मान लेते हो मोदी जी को? क्या मोदी ये बोला तो सच? मोदी चांद को सूरत बोलेगा तो क्या सच हो जाएगा? सूरत को चांद बोलेगा तो क्या सच हो जाएगा? ये जो ब्रिज बोलते हैं केबल ब्रिज, वो एंटिक पीस था, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। गुजरात के मोरबी में एक केबल ब्रिज टूट गया जिससे कई लोगों की जान चली गई। इस पर हम राय लेना चाहेंगे मंतव्य अशोक मोची जी से, जो गुजरात दंगों में पोस्टर बॉय के रूप में बहुत फेमस हुए थे। अशोक जी, कल जो गुजरात में हुआ केबल ब्रिज गिर गया, मोदी जी कहते हैं कि हम जहां कहीं भ्रष्टाचार होता है वहां हम अपना ड्रोन भेज देते हैं, हाँ, लेकिन गुजरात में ही नहीं भेज पाए। देखिए ये जो हादसा हुआ गुजरात में कल, वो मैंने आज अखबार में सुबह पढ़ा है, और ये एंटिक पीस था। ये जो ब्रिज बोलते हैं केबल ब्रिज, वो एंटिक पीस था, राजा शाही का टाइम का था, और कई महीनों से वो बंद था और उसकी मरामत का काम चालू था। लेकिन अभी गुजरात में क्या कि दिवाली की छुट्टियां मना रहे, तो पब्लिक घूमने में फिर ये बरा, तो वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने ये मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वो खुला कर दिया, बिना चेकिंग के खुला कर दिया कि सही हुआ है कि नहीं मरम्मत। AMC का वहाँ का जो बोलते हैं वो कॉरपोरेशन के जो भी, उसका प्रमाण पत्र नहीं लिया कि ब्रिज पब्लिक के लिए भी सही है या नहीं। मतलब क्या पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा ब्रिज में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। जैसा वो ब्रिज है ना, वहाँ की एक खानगी कंपनी को दिया था बराबर है रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए, और बिना सोचे समझे ब्रिज को छुट्टियों की वजह से खुला कर दिया पैसे की लालच में। प्राइवेट कंपनी से करवाया गया, प्राइवेट कंपनी है, ओरेवा कंपनी है मोरबी की, ऐसा वहाँ का बॉय बिजनेसमैन है, ये सब मैंने आज के अखबार में पढ़ा है। तो लोग कहते हैं कि आरक्षण वाले जो इंजीनियर होते हैं उनकी वजह से पुल टूट जाता है, यहाँ तो प्राइवेट कंपनी थी जहाँ आरक्षण ही नहीं होता है। अभी ज़्यादातर गुजरात में सब कुछ प्राइवेट, आरक्षित तो कुछ रहा ही नहीं है, सब प्राइवेटकरण ही हो गया है ज़्यादातर, ऐसा है। बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो प्राइवेट कंपनी को ही दी जाते हैं। वहाँ कोई आपके रिश्तेदार रहते हैं बता रहे थे? वहाँ मेरे रिश्तेदार में मेरी छोटी बहन है। तो कुछ पता चला उनसे? नहीं, मैंने जब मुझे मालूम पड़ा था रात को, मोबाइल में मैंने वीडियो देखा, तो मैंने रात को मेरी बहन को फ़ोन किया, क्योंकि मेरी बहन के बच्चे भी छोटे हैं और छुट्टी की वजह से साथ वो भी वहाँ गए हुए, तो मेरी बहन ने बोला कि भैया अपना तो मकान का काम चल रहा है, घर का भी, तो हम अभी कहीं गए नहीं है, हम घर पे ही है, ऐसा। तो मैंने को थोड़ा वो हुआ, रिलैक्स हुआ कि नहीं अपना इसमें कोई है नहीं। तो भ्रष्टाचार होता है गुजरात में? भ्रष्टाचार तो कोई कौन सी जगह नहीं होता है, हर जगह होता है। दावा करते हैं भ्रष्टाचार नहीं होगा। अरे मोदी जी कोई राजा हरिश्चंद्र का अवतार थोड़ी है क्या? मोदी जी जो बोलेगा सच ही होगा। हैं तुम सच क्यों मान लेते हो मोदी जी को? क्या मोदी ये बोला तो सच? मोदी चांद को सूरत बोलेगा तो क्या सच हो जाएगा? सूरत को चांद बोलेगा तो क्या सच हो जाएगा? अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये हादसा होता ही नहीं, ये भ्रष्टाचार की वजह से हादसा हुआ है। चलिए, हाँ चलिए, तो अशोक मोची जी से बात किए, इनका कहना है कि काफी भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से मोरबी जगह का नाम है, वहाँ पर सिटी है, मोरबी सिटी का टाउन है मोरबी, वहाँ पर केबल ब्रिज गिर गया। खैर, आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।